दिस इज वेरी रॉन्ग। स्कूटी का स्टार्टर ऑन ही रह गया, उसको अब चेक करा रहे क्या हो गया। हम लोग एयरबीएनबी में आ चुके हैं, बैंगलोर में शिफ्ट हो चुके हैं और ऐसा कुछ दिखता है हमारा एयरबीएनबी। दिस इज द एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद में दीज आर द टू टेबल्स एंड अ फ्यू चेयर्स जो हमें मिली है यहीं से। ही एक छोटा सा फ्रिज है जो हमारे लिए काफ़ी सही है और इनफ है। यहाँ पे हमारा मंदिर, आते ही हमने सबसे पहले भगवान को विराजमान करा है। और ये है वॉशिंग मशीन, यहाँ पे एक वॉशरूम। आफ्टर दिस यहाँ पे है किचन। किचन में जो बर्तन दिख रहे हैं ये ऑल, ये हमें सब कुछ मिले थे यहीं पे एयरबीएनबी में। देर आर फ्यू मोर इसके अलावा। एंड ये जो सामान दिख रहा है ये हमने बिग बास्केट से फटाफट आते ही ऑर्डर कर दिया था, नेक्स्ट डे हमें मिल गया था। यहाँ पे वाटर बॉटल हमने मंगा ली है। अनदर अपडेट इज दैट कि हम लोगों ने, हमारे घर पे थी अजमेर में एक बहुत ही पुरानी स्कूटी जो है टीवीएस वीगो। तो हमने सोचा बैंगलोर में जब हम आएंगे तो हमारे पास में आने जाने के लिए कुछ एक कम्यूट करने के लिए कुछ व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि कैब और ऑटो कर करके हम लोग परेशान हो जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट फाइनेंशियली गुड, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी कैब इज कॉस्टिंग अस अराउंड 500 to 600 रुपीज वन साइड ओनली। हम लोगों ने ये पहले ही सोच लिया था, इसीलिए अजमेर से हम लोगों ने हमारी स्कूटी यहाँ पे भेज दी है ट्रेन से पार्सल करके। तो अभी हम लोग वो ही रिसीव करने जा रहे हैं। कल रात को हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी थी, हमारी स्कूटी ट्रेन के साथ आ चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं बैंगलोर का, विच इज SBC रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जाके हमारी स्कूटी को रिसीव करेंगे। क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, थोड़ा थोड़ा जितना आपको दिखा सकेंगे वो दिखाएंगे। बाकी आई विल जस्ट गो एंड शो यू। मेरे साथ में प्रिया भी जा रही है। हाय एवरीवन, वेलकम इन बैंगलोर, और हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी लेने ताकि हम इधर उधर घूम सके। एंड रेडी तो हो चुके हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। यस, और ये अभी हमारा थोड़ा बेडरूम है जो कि थोड़ा बहुत फैला हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो दिस इज़ दी बेडरूम, यहाँ पे एक कबोर्ड मिली हमें। तो प्लेन राइडर के लिए भी हेलमेट चाहिए बैंगलोर में, इसलिए हम लोग ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर करा है और एक हम लोग अजमेर से लेकर आए हैं, स्कूटी के अंदर है वो। तो जाके अब स्कूटी कलेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी। तो ऊबर ऑटो बुक किया था वो आ चुका है, ये हमारा हेलमेट हम साथ में लेके जा रहे हैं। अरे भैया सामने ही खड़े हैं। One eternity later. तो पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन बैंगलोर के, और अब हम अपनी स्कूटी कलेक्ट करेंगे। और स्कूटी कलेक्ट करने के लिए एक्चुअली हमको एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ जाना है, अभी अंदर जाके पता करते कहाँ जाना है। तो अभी अंदर आए, अंदर आके थोड़ा पता लगा कि साइड में जाके एक गली है, उसके अंदर जाके आप बाइक्स मिलती है या स्कूटीज मिलती है जो भी आपने बुक कराई है। तो अभी हम लोगों ने पूछ के यहाँ पे आए हैं। स्ट्रेट अवे स्टेशन में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली नहीं आती है बाइक्स, यहीं पे होती है। तो अभी हमने एक जगह से पूछा, रास्ता पता लगा और अब लेने जा रहे हैं। ऐसा कुछ रास्ता है, आई थिंक ये सामने जो दिख रहा है यही है। ये हमारी ओरिजिनल रिसिप्ट। आ गए हम लोग रिजर्वेशन में, आई मीन पार्सल ऑफिस में आ गए। हम जाके देखते हैं क्या है। A little longer than a few minutes later. हो गया सारा प्रोसेस, थोड़ी देर लगी एज यूजुअल। गवर्नमेंट ऑफिस है तो लोग थे नहीं, टाइम पे आए नहीं, और फिर उसके बाद में अब सब कुछ हमने प्रोसेस कर लिया है। अब ये रिसिप्ट मिली है फाइनली, और ये जाके यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे बहुत सारी स्कूटीज खड़ी है, ये दिखा के अपनी स्कूटी कलेक्ट करनी है और फिर हम जाएंगे सीधा अपने रूम पे कुछ खाने पीने के बाद में। 5 minutes later. तो हमारी गाड़ी ये निकाल के लेके आ चुके हैं, यहाँ पे अनपैकिंग होगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रेलवे वाले जो अपनी स्कूटी जो भी आप बुक करते हो वो लोग छोड़ देते हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर उस साइड पे कहीं पे। अब ये लोग जो यहाँ पे, ये लोग हैं प्राइवेट, और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्कूटी अनपैक करने का और बाहर तक छोड़ने का 200 रुपये देंगे। वी वॉन्ट दैट, सिंपल है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बार्गेन करके 100 रुपये में बात करी है, तो ये जो बंदा आगे स्कूटी लेके जा रहा है वहाँ तक छोड़ेगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई अग्री कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं वहाँ से, ये लोग बोल रहे थे कि रेलवे वाले छोड़ देते, आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी कहाँ पता है वो भी नहीं, कहाँ पड़ी है वो भी नहीं बताएंगे। ये देखो ये बंदा है यहाँ पे, इसने अनपैकिंग कर दी है।
ये अपने मिरर्स और हेलमेट हम लेके आए थे। तो भाई हम लोग पेट्रोल लेके आए थे, मिल जाता है यहाँ पे किसी भी पेट्रोल पंप से आप ले सकते हो, हम लोग ने ले लिया था और ये ऑलमोस्ट आधा लीटर पेट्रोल है ताकि हम आराम से पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा स्कूटी स्टार्ट होने में, देखते हैं क्या करते हैं आगे वो देखते हैं। A few moments later, स्कूटी का स्टार्टर ऑन ही रह गया, उसको अब चेक करा रहे क्या हो गया, क्या बसड़ हुई है ये। आते ही मैकडॉनल्ड्स पे धावा बोल दिया हमने, मतलब महाराजा के साथ आई हूँ मैं, महारानी खा रही है महाराजा मैक बर्गर। तो हम लोग को भूख लग रही थी, स्कूटी लेने के बाद में थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्टार्टर में गड़बड़ हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा अब खा पी के चलते हैं यहीं से ही। तो ये हमने मील लिए, सामने से मोमोज लिए, चार बंदे जा रहे हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, अब पेट पूजा तो बनती है ना। तो काफी सारी चीजों के बाद में हम लोग खा रहे हैं मोमोज, मैडम के फेवरेट है, जस्ट लाइक एनी अदर दिल्ली हाइट। हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो चुके थे क्योंकि हमने एक फ्लाईओवर पकड़ लिया था और उसके वो खत्म भी नहीं हो रहा था, तो ऑलमोस्ट हम 10 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे और अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ और ट्रैफिक बहुत है।